अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शारिक मोहित। आप लोग देख रहे हैं WB7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बताने वाला हूँ कि आप हाउ टू ऐड कस्टम ऐड टू कार्ट बटन इन WooCommerce। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम जाते हैं सबसे पहले प्लगइन्स के अंदर। कस्टम काम भी हो सकता है, लेकिन हम क्या कहते हैं चाह रहे कि डायनेमिक काम हो जाए। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि ताकि मतलब बाद में एडमिन से चेंज कर सके और उसका मल्टीपल ऑप्शन दो जो कि ईजिली बाद में स्विच कर सकता है वो अपनी मर्जी के टैग्स, अपनी मर्जी के ऑप्शंस। कस्टम बटन फॉर WooCommerce प्लगइन का नाम है। ठीक है जी, प्लगइन का नाम है कस्टम बटन फॉर WooCommerce। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, काम करते हैं, ये है। ठीक है जी, बट प्लगइन का नाम ये है जो कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं। और हमारे पास ये बता रहा है कि वर्क ऑन ऑल प्रोडक्ट टाइप्स। ठीक है जी, और सिंपल प्रोडक्ट पे भी काम करें, वेरिएबल प्रोडक्ट, एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, बुकेबल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों पे काम करेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और इसको यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ प्लगइन को। प्लगइन हमारा हो गया एक्टिवेट। ठीक है जी, प्लगइन एक्टिवेट हो गया हमारा। हम यहाँ से भी सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहाँ से भी बटन कस्टमाइजर के अंदर सेटिंग में जा सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करता हूँ WooCommerce पे और बटन कस्टमाइजर पे आ गया मैं। सही है जी। अब ये कह रहा है कि भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया सब कुछ। ठीक है जी, और इनेबल कस्टमाइजर चेंज बटन और सिंगल फोटो का शॉप आता है। मैंने अगर मेरे सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर क्या कहते हैं ऐड टू कार्ट का बटन अपनी हिसाब से चाहिए, मैंने लिखा यहाँ पे बाय मी। ठीक है जी, लेकिन ये सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर चेंज होगा बाय मी। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और ये सिंगल एनी प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर ये काम होना चाहिए इसका, जो कि सिंपल प्रोडक्ट होगी। शॉप के पेज पे आते हैं। ठीक है जी, सिंपल प्रोडक्ट ये लग रही है मुझे, सिंपल प्रोडक्ट मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वाली सिंपल प्रोडक्ट नहीं, फिर ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये वेरिएशन वाली है। इन चेक कर लेते हैं इस पर पीएचआर ये बड़ा डन लगा। ये देखिए सिंपल प्रोडक्ट ही, तो इसके अंदर ये चेंज हो गया। कहाँ पे चेंज हो गया? प्रोडक्ट के डिटेल पेज के ऊपर। ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल प्रोडक्ट है, ये भी सिंपल प्रोडक्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वेरिएबल प्रोडक्ट में भी चेंज हो जाए, यानी कि कस्टम कार्ट मैंने नाम रख दिया ताकि डिफरेंशिएशन हो जाए। ठीक है जी, कस्टम कार्ट, और मैंने कहा है भाई यहाँ भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट में भी कर दो, ग्रुप प्रोडक्ट में ही नाम कर दो और इन सब पर भी ये काम कर दो। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल ये आएगा प्रोडक्ट के डिटेल पेज पर आएगा, तो हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये जी ये देखिए वेरिएशन वाले प्रोडक्ट के अंदर भी कस्टम कार्ड हमारा बटन का नाम चेंज, जो सिंपल वाले थे उन पे तो वही जाएगा बाय मी। ठीक है जी, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर हमें काम कर लें, हम शॉप फॉर आर्काइव यानी कि मेन जो प्रोडक्ट का पेज होता है जहाँ सारी प्रोडक्ट की लिस्ट हो रही होती, जो कि ये है, यहाँ के यहाँ पर भी बटन का नाम चेंज हो जाए एड टू कार्ट के बटन का नाम। तो यानी कि सिंपल प्रोडक्ट होगी तो बाय मी वाला आ जाएगा। ठीक है जी, और वेरिएबल प्रोडक्ट होगी तो ये वाले आ जाएंगे सारे, जैसे हम टेक्स्ट रखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आप हमारी नई वीडियो मिलते रहें। आगे बढ़ते दोस्तों, सेव चेंज मैंने क्लिक किया। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये कस्टम काम भी हो सकता है फंक्शन होप्स के थ्रू, फंक्शन और पीस में आपको ढूंढो करो, लेकिन ये मैं आपको सिंपल करके दिखा रहा हूँ प्लगइन से। रीज़न ये है ताकि ईजिली आप उसको कर सको विदाउट एनी कोडिंग। आपको कस्टम करना, आप कस्टम कर लेना, नो इशू, चेक और अपलोड कोड ढूंढना, वहाँ से इम्प्लीमेंट कर लेना। तो रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर, तो हमारा काम हो जाना चाहिए यहाँ पे आर्काइव पेज पे। ये देखिए कस्टम कार्ड वेरिएशन वाली प्रोडक्ट से भी कस्टम कार्ड आ गया। ठीक है जी, मैं ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है सारी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनते हैं और ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।